नमस्कार, इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। सोई हुई अवस्था में महिला की हत्या। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के मलहनमा वार्ड नंबर 13 में देर रात अज्ञात अपराधियों ने एक सोई हुई महिला की हत्या कर दी। घटना के संबंध में स्थानीय निवासी नूनूलाल यादव के 15 वर्षीय पुत्र शंकर कुमार ने बताया कि मेरी मां दुखनी देवी दरवाजे पर सोई थी। हम लोग घर में सोए हुए थे और सुबह 6 बजे जब दरवाजे पर मां को जगाने आए तो देखा कि मां का दरवाजे पर बने जो मचान है उस पर वो मृत पड़ी हुई है। अज्ञात अपराधियों ने उनकी मां को गला दबाकर और चाकू घोप कर हत्या कर दी। पड़ोसी से जमीनी विवाद चल रहा था जिसमें उसके पिता को भी झूठा फंसाया गया है, जिसकी वजह से उसके पिता भी घर पर नहीं थे। इधर घटना को लेकर एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें मृतक महिला की रेकी की बात सामने आई है, लेकिन ऑडियो किसकी है, किसने वायरल किया है यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर त्रिवेणीगंज SHO संदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। घटना के संबंध में SHO संदीप कुमार सिंह ने बताया कि मलहनमा वार्ड नंबर 13 में दरवाजे पर बने छावनी के नीचे मचान पर सोई हुई नूनूलाल यादव की 55 वर्षीय पत्नी दुखनी देवी की मौत हुई है। मृतिका के पेट पर जख्म के निशान हैं। उसके घर वाले और आसपास के लोग बताते हैं कि पेट पर हुए जख्म और गला घोट कर इसकी हत्या की गई है। मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। जब तक मेडिकल व पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। इस पहला घटना भले कौन जी मारे कुछ स्कूल के हमारे पापा से। हाँ तो इतना मार सुतल रहे हमारा घर में सुतल दिए तो इतना भोर खुना लिए ना देखे ला तो माँ के देख लिए मर भैंस कर। सुबह में क्या बजे अली अच्छी 6 बजे मरल देख ली। हाँ पापा जी कहाँ छो अच्छी पापा ऊपर सर केस छे तो उन्हें रहे छे घर पर तो हमें अली घर में उठ के तब देख ली। कौन चीज के दुश्मनी रहो वही ना सर लड़ाई है जगह ककड़ा से रहो ककड़ा से लड़ा झगड़ा छो सर हेवे बगल भाई नाम कही ना नूनूलाल पड़ोसी छियो जी वो पड़ोस कौन जी के लड़ाई चले छो वे ना जमीन आ रहो मैं दसरे से चले रहे हमरो बाकी दुश्मनी से दुश्मनी से केस में ले आ दे कुछ पता नहीं चल रहा है क्या वजह भेलो है ना ना नहीं सर भोर में देख के छे जुड़ी मलारी आरो सब फरी हमदार राजन दिस संग हमरा फसु। अच्छा कौन जी के विवाद चलत रहे विवाद जमीन जी का कते दिन से चलत रहे अरे 5-6 महीना रह गए और अनंत चले रहे 2 साल से कोई समय चले रहे मार्केट भले मार छूट गए तब हमरा मुकदमा में जा दिए। जिसकी हत्या हुई है उससे कौन चीज का विवाद चल रहा था किसी को हमरा का मतलब नहीं हमरा केस में देने छ सर वो आदमी तो ये घर पर नहीं रहे हम घर पर नहीं रहे। और तो जिसकी हत्या हुई है वो कौन हुई आपकी पत्नी पत्नी छी हम। कब हुई हत्या रात में रात में आप लोगों को कौन चीज का विवाद किससे चल रहा था ककरा से। हाँ कोनो चीज हमरा दे केस में देने छे हमरा पे क्या ना वो कल के वो आरो कल के है से पहले विवाद कौन चीज के चले तरह ककरो से विवाद हो रहा हमरा विवाद कह मतलब छे तो यहो पार्टी से सही पार्टी से हमरा कोनो मतलब कौन पड़ोसी से। हाँ पड़ोसी से आ पड़ोसी का अगर है वो भाग में छे वही सब छे पूछ देने छे मकान वह सब हत्या कर लगे है आशे तो हम तो खाली अंदर भोर में जाइए। ग्राम मलहनमा वार्ड नंबर 13 में दुखनी देवी पति नूनूलाल यादव अपने छावनी में सोई हुई थी। उनकी मौत हुई है। उनके पेट पर जख्म का निशान है। उनके घर वाले और आसपास के लोग बता रहे हैं पेट पर हुए जख्म और गला घोटने से उसकी मृत्यु हुई है। मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा डॉक्टर का रिपोर्ट नहीं मिलता तब तक स्पष्ट नहीं कहा सकता कि मृत्यु का कारण क्या है। हत्या किस वजह से हुई इसकी कुछ इस बारे में उन्होंने अभी तक नहीं बताया। किसी की गिरफ्तारी हुई है जी नहीं।